घबराना नहीं दिख रहा। बहुत दर्द हो रहा है बा। राशिबेन बहुत दर्द हो रहा है राशिबेन। गोपी गोपी शांत रहे। लगता है इन्हें लेबर पेन शुरू हो गई। गोपी गोपी वाओ माँ जी। गोपी कैसे हो बेटा तुम? सब्र से काम लो दिख रहा। देखो डॉक्टर साहब सब चेक कर रही है ना। गोपी वाओ गोपी वाओ तुम ठीक तो हो? गोपी वाओ धैर्य रखो, देखो कुछ नहीं होगा, हम सब आ गए हैं ना। राशि हुआ क्या? काकी जी वो गोपी को लेबर पेन शुरू हो गया, घर में कोई था नहीं इसीलिए मैंने डॉक्टर को बुला लिया। देखो गोपी हो कृष्ण भगवान भलाई करेंगे, हाँ धैर्य रखो। राशि तुमने हेम को बताया? जी मैंने जीजू को फोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। वैसे राशि तुमने बहुत अच्छा किया, हम सब घर पर नहीं थे और तुमने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। मैं पता करती हूँ जीजू कहाँ तक पहुंचे। जीजू कह रहे हैं वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बस जल्दी पहुंच जाएंगे और साथ में पापा जी भी हैं। इनको पेन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है हॉस्पिटल ले जाने से पहले हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। ठीक है डॉक्टर जैसा आप कहें। हाँ दिख रहा, बस 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 बैठे। क्या हम गोपी को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते? नहीं काका, डॉक्टर ने कहा है कि इस हालत में कभी कभी ऐसे पेन्स हो जाते। अब आइए काका। गोपी अब कैसा लग रहा है? डॉक्टर अब दर्द नहीं है। संभल कर बेटा। ये चिंता की कोई बात नहीं है, प्रेगनेंसी में अक्सर समय से पहले ऐसे पेन आ जाते हैं और वैसे भी इनकी ड्यू डेट में अभी टाइम है, तो आप चाहें तो इनको घर में रख सकते हैं, अभी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखिए, कोई ना कोई इनके साथ घर में रहना जरूरी है, इन्हें अकेला ना छोड़े। जी डॉक्टर हम बिल्कुल ध्यान देंगे। हेलो क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है, थैंक यू सो मच। काका एम जी सॉरी, मेरे वजह से आप लोगों को इतनी जल्दी ऑफिस से आना पड़ा और वो भी बेवजह। कोई बात नहीं कोई, वैसे भी एक खुशखबरी की बात है, वो इंटरनेशनल मिनरल वाटर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। और गोपी ये कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है हमारे लिए। क्यों काका? वाह बस बस, ये तो बाकी ही खुशखबरी वाली बात है। थैंक यू काका, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा हम इस वाटर प्रोजेक्ट का नाम गोपी के बच्चे के नाम पर रखें।